हेलो फ्रेंड्स, ये गाड़ी है शेवरलेट बीट और इस गाड़ी का टर्बो फेल हुआ है। टर्बो फेल हो गया, इसके बाद हमें करना क्या है कि इसका टर्बो चेंज करना है। बहुत सारे लोग फुल टर्बो चेंज करना रिकमेंड करते हैं, कहते हैं कि हाफ का अगर हम टर्बो डालेंगे यानी कि सिर्फ टर्बो की कोर डालेंगे तो वो सक्सेस नहीं होगी। और मेरा ये कहना है कि टर्बो की कोर सक्सेस नहीं होती, वो सिर्फ इस वजह से नहीं होती क्योंकि उसका वेस्ट गेट का एडजस्टमेंट सही हो नहीं पाता। तो इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ वेस्ट गेट का एडजस्टमेंट। तो ये देखिए, ये टर्बो है, टर्बो की कोर को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करना मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था, वो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। और इसकी वर्किंग क्या है वो भी मैंने वीडियोस में बताया था कि एक तरफ से ये एग्जॉस्ट आता है और एग्जॉस्ट उस व्हील को घुमाता है और दूसरी तरफ का जो फैन है वो एयर को कंप्रेस करके हमारे इनटेक मैनिफोल्ड में पहुंचाता है। इनटेक मैनिफोल्ड में जब प्रेशर ज़्यादा बन जाता है, जब हद से ज़्यादा प्रेशर होता है, तब काम आता है वेस्ट गेट का। वेस्ट गेट ओपन होता है एक एक्चुएटर के थ्रू और फिर वो जो एग्जॉस्ट है वो कुछ हद तक बिना व्हील को घुमाए हुए ही बाहर निकल जाता है। इस वजह से टर्बो के ऊपर लोड नहीं आ पाता। तो ये देखिए, ये मैंने फिट कर दिया, अब इसका टर्बो का एक्चुएटर लगाते हैं। तो ये देखिए, टर्बो का एक्चुएटर है, ये हमने लगा दिया है वेस्ट गेट के साथ। अभी इसकी सेटिंग नहीं की है, इसको सिर्फ अभी लगा के रखा है। अब होता क्या है कि ये ऑपरेट होता है वैक्यूम से। ये वैक्यूम पीछे का पाइप है, जो पीछे का पाइप हमने निकाल के रखा है ये इसमें इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, वैक्यूम का पाइप इसमें लगा रहता है, जब भी वैक्यूम आता है यानी कि वैक्यूम जब बनेगा तो ये शक करेगा और पीछे की तरफ इसको खींचेगा। जैसे ही ये पीछे की तरफ खींचेगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में वेस्ट गेट क्लोज होगा, तब आपकी गाड़ी में प्रॉपर पिकअप आएगा और फुल बूस्ट मिलेगा। लेकिन जब वहाँ से डिक्रीज होगा यानी कि वैक्यूम कम होना शुरू होगा, तब क्या होगा, ये वेस्ट गेट पीछे की तरफ जाएगा। और ऐसा किस कंडीशन में होता है कि जब हमारी गाड़ी फुल एक्सीलेटर पे है और खूब आरपीएम पे है लेकिन गाड़ी को इतने प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, तब क्या होता है, ये एक्चुएटर उसको पीछे कर देता है, वेस्ट गेट को पीछे कर देता है। और ये सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं सेंसर से, जो कि मैप सेंसर हमारे मैनिफोल्ड में लगा रहता है, वो मैनिफोल्ड में जाके वो सारी जो सेंसर है वो ईसीयू को कमांड देता है कि साहब अभी मुझे इतने प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, आप वेस्ट गेट को खुलवा दीजिए एक्चुएटर की मदद से। तो ये एक्चुएटर इस तरह से वेस्ट गेट को खोल देता है। अब इसकी सेटिंग क्या होती है, क्योंकि ये तो पूरा फ्री है, गेट पूरा फ्री है, एक्चुएटर की प्ले कितनी है, एक्चुएटर जब ऑन होता है तो कितना अंदर जाता है और कितना बाहर जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमको एक बार स्टार्ट करके गाड़ी को देखनी होती है कि स्टार्ट कंडीशन में होना क्या चाहिए, कि इसका वेस्ट गेट क्लोज होना चाहिए इस तरह से। ये तो वेस्ट गेट हमेशा स्टार्ट कंडीशन में क्लोज होगा और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो ये वेस्ट गेट ओपन होना चाहिए। ये देखिए, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई ये वैक्यूम में प्रेशर बना, वैक्यूम से अंदर खींचा उसने एक्चुएटर ने और ये वेस्ट गेट को इसने क्लोज कर दिया। अब जैसे एक्सेलेरेट करेंगे, एक्सेलेरेट करने के बाद इस वेस्ट गेट को खोलना चाहिए, यानी कि एक्सेलेरेशन जब ज़्यादा हो जाएगा, जब उसमें बूस्ट हो जाएगा प्रेशर, तब इसको खोलना चाहिए। और वो कितना खोलता है वो हम इन बोल्ट की मदद से एडजस्ट करना होता है। तो इसमें कभी भी गाड़ी को स्टार्ट करके जब ये एक्चुएटर पूरा अंदर हो जाए उस कंडीशन में क्या करना होगा, हमको वेस्ट गेट को एंड पॉइंट पे पहुंचाना होगा यानी कि क्लोज पे, यानी कि वेस्ट गेट क्लोज होगा और उतने पे इसको सेट करना है। अब उसके बाद फिर एक्सेलेरेशन देंगे, गाड़ी एक्सेलेरेट करेंगे तो देखेंगे इसको कम से कम 1 से 2 सेंटीमीटर तक प्ले होनी चाहिए, यानी कि जब हम एक्सेलेरेट करें, बूस्ट करें, तो ये जब खुलेगा तो 1 से 2 सेंटीमीटर तक इसको खुलना चाहिए। अगर ये इतना नहीं खुल रहा है तो फिर आपको 1 वोल्ट लूज करके उसको थोड़ा सा और पीछे करना होगा, यानी कि एक्चुएटर ने थोड़ा ज़्यादा उसको शक करके रखा हुआ है। जब वो वापस आता है तो वो इतना नहीं आ पाता, ये देखिए ये इतना हाफ में आ पा रहा है, तो इसका मतलब अभी इस बोल्ट को लूज करके थोड़ा सा इसको अभी पीछे की तरफ अभी हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। और जैसे जैसे मैं इस बोल्ट को लूज करूंगा, यहाँ से इसको लूज करूंगा, तो होगा क्या कि एक्चुएटर तो पहले ही शक कर रहा है तो वो पीछे की तरफ जाता रहेगा, वो अपने आप पीछे की तरफ जाएगा। इसको बस मैं खाली लूज करता जाऊंगा और वो थोड़ा पीछे जाएगा। जितना एमएम मुझे इसको शिफ्ट करना है उतने अपने हिसाब से मैं इसको पीछे करूंगा, और पीछे करने के बाद फिर मैं दूसरा वाला जो बोल्ट पीछे रह गया उस बोल्ट से इसको लॉक करूंगा। अगर मैं इसको लॉक नहीं करूंगा तो क्या होगा कि जब एक्चुएटर चलेगा तो इसमें ऑटोमेटिक प्ले रहेगी। तो देखिए, इधर से इसको घुमाया और इसको भी मैंने यहाँ लॉक किया। अभी लॉक करने के बाद फिर से एक्सेलेरेट करेंगे, एक्सेलेरेट करने के बाद देखेंगे कि अब इसमें कितना प्ले आता है। एक्सेलेरेट करते समय उसके आरपीएम जो है, आरपीएम भी पूरे जाने चाहिए, ऐसा ना हो कि आरपीएम पूरे नहीं जा रहे हैं। आरपीएम उस कंडीशन में पूरे नहीं जाएंगे जबकि वेस्ट गेट आपका टोटल क्लोज कंडीशन में ना होगा पहले ही। अगर पहले ही क्लोज कंडीशन में नहीं है तो आरपीएम पूरे नहीं जाएंगे, इतना बूस्ट गाड़ी पहले ही नहीं लेगी। तो वो भी चीज़ें हमको देखनी है कि आरपीएम अभी कितने जा रहे हैं। तो अभी इसको जैसे एक्सेलेरेट करते हैं तो आरपीएम जा रहे हैं, और आरपीएम मतलब तुरंत चले जाने चाहिए। एक होता है ना कि हम लोग प्रेस करते हैं तो तुरंत आरपीएम ऊपर चले गए, और एक कंडीशन वो होती है कि हम प्रेस कर रहे हैं और धीरे 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 आरपीएम बढ़ रहे हैं। तो जो धीरे धीरे आरपीएम बढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि अभी टर्बो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, वेस्ट गेट अभी कुछ थोड़ा बहुत खुला रह रहा है। तो इसकी सेटिंग फिर हमको एक बार यहाँ से मिलानी पड़ेगी, क्योंकि अभी उतनी सेटिंग आई नहीं है। किसी कंडीशन में ये हल्का सा खुला हुआ रह जा रहा है, क्योंकि अगर ये खुला रहेगा
तो भी आप देखिए कि बूस्ट उतना ऊपर बनेगा नहीं, और जब उतना बूस्ट मैनिफोल्ड में नहीं आएगा तो मैप सेंसर कमांड देगा नहीं एक्चुएटर को कि आप उसको एक्चुएट कराइए, यानी कि उसको वेस्ट गेट को खोल दीजिए। तो खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी उसके पास प्रेशर कम होगा। तो हमको क्या करना है, अपने टर्बो का फुल पावर को यूटिलाइज करना है, यानी कि जब हमको जरूरत हो तब हमको वो फुल बूस्ट दे, और जब हमको जरूरत हो कि हाँ मैनिफोल्ड में प्रेशर पूरा हो गया तब उसी टाइम पे वो क्या करे कि एग्जॉस्ट को बाहर निकाल दे, जिससे कि टर्बो पे अननेसेसरी लोड ना पड़े। तो ये देखिए एक बार और मैंने इसको सेट किया, और सेट करने के बाद फिर मैं इसको चेक करता हूँ कि अब इसमें कितना प्ले आता है। वही है देखिए, जब हम क्लोज कंडीशन में रखेंगे तो सेम उसी पोजीशन पे आएगा, और जब एक्सेलेरेट करेंगे तो फिर ये धीरे धीरे बाहर को हिलेगा, यानी बाहर इसको धकेलेगा। जब ये बाहर धकेलेगा यानी कि इसको प्रेशर अब डेवलप हो चुका है, अब इसको इतना प्रेशर बाहर निकालना है। ये देखिए अब ये इस कंडीशन में प्ले हो गई है, इतनी प्ले हो गई है कि अब इसको यहीं पे फिक्स किया जा सकता है। तो अब हम गाड़ी को बंद करेंगे, और बंद करने के बाद क्या होता है कि जैसे ही बंद करेंगे स्विच निकालेंगे, थोड़ी देर बाद जैसे ही वैक्यूम लूज पड़ेगा और ये एक्चुएटर पीछे की तरफ आ जाएगा। तो इसको अभी हम देखिए टाइट कर देंगे, लॉक करना है अच्छे तरीके से। अगर इसको लॉक सही से नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वाइब्रेशन के टाइम में खुल सकता है। और देखिए अभी ये पीछे आ गया, जैसे स्विच काट के हमने चाबी बाहर निकाली तो ये धीरे से वैक्यूम लूज पड़ा और ये बाहर आ गया। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन वेस्ट गेट ओपन की है, ये ध्यान रखिए ये ओपन की कंडीशन है। और जब स्टार्ट होगी गाड़ी तो वो फुल्ली वेस्ट गेट क्लोज रहेगा, यानी कि उस टाइम पे फुल वेस्ट गेट क्लोज है और पूरा जो पावर है वो पावर उसको घुमा रही है व्हील को, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको पिकअप चाहिए होता है। टर्बो लेग जो आता है वो टर्बो लेग यहीं पे शुरू होता है कि उस समय पे एग्जॉस्ट कम निकलता है और हमको पावर ज्यादा चाहिए होती है, और कई बार एग्जॉस्ट उतना आ रहा होता है लेकिन वेस्ट गेट की सेटिंग सही नहीं होती, क्योंकि उतना आधा एग्जॉस्ट वो जो था वो बिना व्हील को घुमाए हुए ही बाहर चला जाता है। तो इस वजह से ये टर्बो लैग फील होता है। अभी यहां पे फिट कर दिया मैंने, और फिट करने के बाद ये ऊपर का लॉक लगाना जरूरी होता है, लॉक नहीं लगाएंगे तो फिर इसकी सेटिंग खराब हो जाएगी। तो अभी फाइनल टर्बो फिटिंग हो गई है, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा। कोशिश करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ बेहतर सिखा पाऊं जो कि आपके फायदेमंद हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।